हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बिना ओवन, बिना गैस, बिना माइक्रोवेव के केक बनाना सिखाने जा रहे हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है, 10 मिनट में आप केक तैयार कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए यहाँ पे ली है बड़े साइज की 8 ब्रेड। हम इसको पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है पाइनएप्पल का क्रश, व्हिप्ड क्रीम मार्केट में बहुत इजी से अवेलेबल हो जाती है, किसी भी बेकर्स के यहाँ मिल जाएगी आपको। और यहाँ मैंने पाइनएप्पल का ही एसेंस लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको हटा दूंगी, ये ब्राउन डार्क कलर वाला, इसको हम हटा देंगे। देखिए, मैंने ब्रेड के चारों तरफ से हटा दिया है, इनको हमें फेंकना नहीं है, ये हमारे ब्रेड क्रम्स बनाने के काम आ जाएंगे। इनको हम ग्राइंड कर लेंगे तो इनसे ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबके किनारे काट करके अलग कर दिए हैं, ब्रेड सारी एक सी वाइट हो गई हैं। अब इसके लिए मैंने लिया है एक इस तरीके का गत्ता, आप इसके लिए चौकोर प्लेट भी ले सकते हैं या कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। इसको मैं फॉइल से कवर कर दूंगी। इसको मैं इस तरह से फॉइल से कवर कर दूंगी ताकि हमें ये हमारा केक बोर्ड बन जाएगा, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमने इस तरीके से केक बोर्ड तैयार कर लिया है। मैंने इस तरह से एक बाउल ले लिया है, आप यहाँ भगोनी भी ले सकते हैं, इस पे हम अपने केक बोर्ड को रख देंगे। अब हमारे लिए केक बनाना कुछ आसान हो जाएगा ताकि ये इस तरीके से जब हम क्रीम लगाएंगे तो ये घुमा सकें हम इसको। फ्रेंड्स, क्रीम के लिए हम इस तरीके का नाइफ यूज में ले सकते हैं या ये सबके घर में इजी गोइंग में मिल जाता है लकड़ी वाला सब्जी बनाने का, या ऐसा छोटा चम्मच अगर हो तो इससे हम क्रीम लगाने के काम में लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो इस तरीके का सिंपल नाइफ भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस बोर्ड पे क्रीम लगा देंगे। सबसे पहले हम बीच में थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ क्रीम में कोई सा भी फ्लेवर मिक्स नहीं किया है, बिल्कुल प्लेन क्रीम रखी है मैंने। अगर आप चाहें तो इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर मिक्स कर सकते हैं या येलो कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पाइनएप्पल केक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्रीम लगाई, इस पे हम ब्रेड लगा देंगे। फ्रेंड्स, सिंगल ब्रेड का तो केक बहुत छोटा रहेगा, इसलिए मैंने ब्रेड के पीस कर लिए हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से ब्रेड के पीस कर लिए हैं, एक पीस इस तरफ और एक पीस इस तरफ हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीस करके कुछ इस तरह से लगा दिया है इसको। अब आप अपन सबसे पहले इसके ऊपर पाइनएप्पल क्रश डालेंगे। इस तरह से इसको फैला लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे पाइनएप्पल क्रश लगा दिया है पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए। अब हम इस पे क्रीम लगा देंगे और क्रीम को भी इसी तरह से फैला देंगे। अब हम इस पे वापस से ब्रेड लगा देंगे। इस पे हम वापस से पाइनएप्पल क्रश डाल देंगे और पाइनएप्पल क्रश को फैला देंगे सारे पे। अब हम क्रीम लगा देंगे। ये प्रक्रिया हमें बार बार करनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी ब्रेड लगा दी हैं और क्रीम से ऊपर से अच्छे से इसको कवर कर दिया है। अब हम इसी तरह से साइड में भी क्रीम लगा के इसको कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम
इस पर जैसा मन में आए वैसा डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने पाइनएप्पल केक बनाया है। केक को तैयार करने के लिए क्रीम में पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं। देखिए, मैं 2 ड्रॉप इसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें ग्रीन कलर डालूंगी। आप जैसा चाहें वैसा कलर यूज में ले सकते हैं फ्लावर बनाने के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दे रही हूँ। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जरूरत के अकॉर्डिंग और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्रीम एकदम तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से कोन बना लेंगे, जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने कोन बना लिया है और आप इसमें जैसा डिजाइन चाहें वैसा नोजल यूज में ले सकते हैं। ये इस तरीके का नोजल मैंने ये घर पे बनाया है, देखिए, डार्क प्लास्टिक से। इस पे आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन कट कर सकते हैं। ये नाम लिखने के लिए, ये फ्लावर बनाने के लिए, ये रोज फ्लावर बनाने के लिए। तो हम इसमें से ये वाला यूज में ले रहे हैं। इसको मैं कोन में फिट कर दूंगी। अब हम क्रीम को कोन में भर लेंगे। आप जैसा चाहें वैसा डिजाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाइनएप्पल केक एकदम रेडी है। अब आप जब चाहें तब बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा बार बार केक लेने के लिए। जब भी आप फ्री मूड में हो, घर पे फ्रेश केक बनाइए और टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।